जी हाँ, बेलारूस के पास भी अब अपना न्यूक्लियर हथियार होने जा रहा है, और देने वाला कोई और नहीं बल्कि रशिया ही है। तो इसकी शुरुआत होती है इन 1991 जब यूएसएसआर 12 कंट्रीज में बट जाता है, और जो चार कंट्रीज में निकलती हैं कहीं ना कहीं कजिकिस्तान, बेलारूस, रशिया एंड यूक्रेन, इन चारों के पास ही न्यूक्लियर हथियार थे। लेकिन ये जो तीन देश हैं इन्होंने कहा कि यार हमें हथियार की क्या ज़रूरत है, हमने तो रशिया बचा लेगा, और ये कह के या तो अपना जो हथियार था न्यूक्लियर उसे बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, या फिर वो रशिया को हैंड ओवर कर दिया, जो भी वॉरहेड्स थे। इसके बाद होता ये है कि अभी जो सी जिनपिंग आए थे इन रशिया, तो उन्होंने कहा था कि आपको न्यूक्लियर हथियार का यूज़ नहीं करना है वार में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेस्ट कंट्रीज के द्वारा उन पे प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था। तो रशिया ने कहा कोई इशू नहीं यार, मैं क्यों यूज़ करूँगा, मैं बेलारूस को दे दूंगा, तो वो यूज़ करता तो मैं रोक भी नहीं सकता हूँ। कहीं ना कहीं चाइना जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया को यूज़ करता है वेस्ट कंट्रीज को कंट्रोल करने के लिए, सेम टू सेम रशिया भी यूज़ करना चाह रहा है बेलारूस को।